के साथ। शनिवार को भारत माता मंदिर परिसर वाराणसी में महिला हिंसा विरोधी पखवाड़ा के अंतर्गत दुष्कर्म, उत्पीड़न और यौन हिंसा की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ दखल दमन के खिलाफ लामबंद समूह की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। समाज को हिला देने वाली बनारस की बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना से व्यथित छात्राओं और युवतियों ने आज शनिवार को चुप्पी तोड़ी। दुष्कर्म यौन हिंसा के खिलाफ नारे लिखे तख्तियों के साथ जुटे दखल समूह के सदस्यों ने बलात्कार, छेड़खानी, अन्याय, जाति के खिलाफ लड़ते हुए दुष्कर्म पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने का संकल्प लिया। भारत माता मंदिर परिसर के चौराहे से होते हुए काशी विद्यापीठ परिसर में प्ले गार्ड गले में टांगकर महिला हिंसा विरोधी नारे लगाते हुए रैली निकालकर जन जागरूकता का प्रयास किया गया। आक्रोश व्यक्त करते हुए समूह ने कहा कि अगर बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हम सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे। इस दौरान कार्यकर्त्रियों ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएन वीमेन के अध्ययन का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि दुनिया भर की 73.6 करोड़ महिलाओं के साथ उनके साथी और दूसरे लोगों ने कम से कम एक बार यौन हिंसा को अंजाम दिया है। हमें पुरुष प्रधान इस ढांचागत व्यवस्था को ही बदलना होगा। हम सबको यह निर्णय लेना होगा कि अब और हिंसा नहीं सहेंगे। लैंगिक बराबरी के लिए हमें अपनी चुप्पी तोड़नी होगी और सवाल पूछने की आदत डालनी होगी। हिंसा की रोकथाम से ही हिंसा का अंत होता है। बच्चों में व्यक्तिगत सुरक्षा को बढ़ावा देना, स्कूलों में बाल संरक्षण नीतियों और बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए माता पिता की जागरूकता बढ़ानी भी आवश्यक है। छोटे बच्चे अपना बचाव करने में और भी अधिक अशक्त होते हैं। उनके लिए परिवारों और शिक्षा संस्थानों की सुरक्षात्मक भूमिका को मजबूत करने के लिए विशिष्ट तरीके अपनाने होंगे। समाज में जो महिला हिंसा जितनी तेजी से बढ़ रही है उसके विरोध में विरोध प्रदर्शन करने के लिए महिला हिंसा चारों तरफ, अब तो लोग बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, हर जगह महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इस समाज में हमारा समाज, हमारा देश, यहाँ तक कि विश्व इतनी तरक्की कर रहा है पर महिलाएं सेफ ही नहीं हैं, जो कि हमारा मूलभूत आधार है वो ही यहाँ सुरक्षित नहीं है। हम कहें तो मतलब पेट में बच्चियाँ तक सुरक्षित नहीं है, जो कि कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है। थोड़ी बड़ी हो रही हैं तो भी वो स्कूल में सुरक्षित नहीं है, सड़कों पर सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि घर पर भी सुरक्षित नहीं है। तो हम आज समाज के सामने ये प्रश्न उठाना चाहते हैं कि क्यों नहीं उन्हें लैंगिक समानता का अधिकार दिया जा रहा है, क्यों नहीं उन्हें पुरुषों के ही समान समझा जा रहा है, क्यों उनके विरुद्ध जाकर के उनके साथ ऐसा शोषण किया जा रहा है। तो आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं महिला हिंसा के विरोध में प्रदर्शन के लिए कि आप हमारे साथ आएँ और समझें महिलाओं को और उन्हें अपनी बराबरी का दर्जा दें, जो कि वो आपके साथ जीने की हकदार हैं, आपके साथ जीना चाहती हैं। तो आप उन्हें उनका शोषण मत करिए और उनके साथ समानता का व्यवहार करिए। महिला हिंसा विरोधी पखवाड़े के दौरान हुए इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से मैत्री, डॉक्टर इंदु पांडे, विजेता सिंह, नीति, अनुष्का, डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी, श्रीवी, साक्षी, रोली सिंह रघुवंशी, साहिल, मीनाक्षी मिश्रा, ज्योति, धनंजय त्रिपाठी, सबनम बीवी, रुखसार आलम, संजीव कुमार, मृत्युंजय रजत, जागृति, दीपक, राजू, स्नेहा इत्यादि मौजूद रहे। सच के साथ।